मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए एक पेज की और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए, ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो, आप क्यों छुपा रहे हो, तो यही पूछ रहे थे। लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।